शिवानी अग्रवाल। बिहार के जाने माने चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर उत्पल कांत सिंह का गुरुवार को 71 साल की उम्र में निधन हो गया। दिल्ली से सटे गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में डॉक्टर उत्पल कांत सिंह ने आखिरी सांस ली। बताया जा रहा है कि डॉक्टर उत्पल कांत गंभीर बीमारी से ग्रसित थे और मेदांता में ही उनका इलाज चल रहा था। उनके निधन की खबर सुनते ही इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है। डॉक्टर उत्पल कांत सिंह की गिनती देश के शीर्ष शिशु रोग विशेषज्ञों में होती थी। डॉक्टर उत्पल कांत सिंह के आकस्मिक निधन की खबर जैसे ही उनके पैतृक गांव अमहरा में पहुंची, लोग स्तब्ध रह गए। डॉक्टर साहब का व्यक्तित्व ऐसा था कि उन्हें जानने वाला इसे बहुत बड़ा सामाजिक नुकसान और राज्य के लिए अपूरणीय क्षति बता रहा था। डॉक्टर उत्पल कांत के पिता का नाम कामता प्रसाद सिंह और मां का नाम सीता देवी था। पिता महान स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने 1942 में बीता हुई ट्रेन लूट की घटना की अगुवाई की थी। उनके दो बड़े भाई कुमुदकांत सिंह व डॉक्टर नीलकांत सिंह थे। उनकी पत्नी का नाम डॉक्टर रीता सिंह है। उनके 3 बच्चों में सबसे बड़ी बेटी डॉक्टर शिवानी है, जबकि 2 बेटे सिद्धार्थ सौरभ व श्रीहर्ष सिंह हैं। कांग्रेस नेता सिद्धार्थ जो है वह अभी विक्रम से विधायक है। शिशु रोग में कई प्रकार के रिसर्च कर एशिया में अपना परचम फहराने वाले डॉक्टर उत्पल कांत सिंह बचपन से ही विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। अभी के छात्र महज इसी बात से इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस ज़माने में अच्छे खासे परिवार से ताल्लुक़ रखने के बावजूद वो रात में इसलिए मच्छरदानी नहीं लगाकर पड़ते थे क्योंकि इससे उनको आराम मिलेगा और उन्हें नींद आ जाएगी। अपने कठिन परिश्रम की बदौलत डॉक्टर उत्पल कांत ने बेहतरीन उपाधि प्राप्त कर पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया था। डॉक्टर उत्पल कांत ने पटना के पीएमसीएच से एमबीबीएस की पढ़ाई की। इसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए वह लंदन चले गए। उन्होंने लंदन में एमडी, पीएचडी और एफआरसीपी की डिग्री हासिल की। इसके बाद उन्होंने अमेरिका से एफआईएपी और एफसीसीपी की डिग्री ली। इसके बाद वह वापस से देश लौट गए। वे एनएमसीएच में प्रोफेसर बने और बाद में वीआरएस ले लिया। इसके बाद वह पटना में ही प्रैक्टिस करने लगे। जल्द ही लोग उनकी चिकित्सा के कायल हो गए। बिहार के कोने कोने से लोग अपने बच्चों का इलाज कराने उनके पास पहुंचने लगे। बच्चों की नब्ज को देखकर ही उन्हें बीमारी का पता चल जाता था। डॉक्टर उत्पल कांत के ही गांव के डॉक्टर उदय राय ने बताया कि डॉक्टर कांत सभी से बहुत ही आत्मीय ढंग से मिलते थे। उनके इलाज से शिशु रोग में काफी फायदेमंद मिलता था। किसी भी बच्चे की जांच के अंत में टोटके के रूप में चिकोटी काटना उनकी आदत थी। वे युवाओं को पुराने लोगों की कहानी सुनाकर उन्हें प्रेरित करते थे। सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ के वो हिस्सा भी लेते थे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने डॉक्टर उत्पल कांत के निधन पर काफी ज्यादा शोक व्यक्त किया है। शोक संदेश में नीतीश कुमार ने कहा कि उत्पल कांत प्रख्यात शिशु रोग विशेषज्ञ थे। उनसे हमारा व्यक्तिगत संबंध था। उनके निधन से मुझे काफी दुख पहुंचा है। उनका निधन चिकित्सकीय क्षेत्र के लिए अपूरणीय क्षति है। उत्पल कांत के निधन से पूरे बिहार और चिकित्सा जगत में शोक की लहर सी है। इस अपूरणीय क्षति को चिकित्सा जगत कभी भी भर नहीं सकता। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे एचडी न्यूज़ के साथ और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक एंड फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।